आरके माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.3 जो प्रतिस्थापन विधि है, 3.3 का क्वेश्चन नंबर आपका 3 लेकर आए हैं। उससे पहले आप वीडियो पर पहली बार बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि इसमें कुछ खास ऐसे ट्रिक जो बताया जाएगा आप लोगों को, से आपको अलजेब्रा का हिंदी समीकरण, खासकर विद्यार्थियों को काफ़ी दिक्कत होती है, उस दिक्कत से हम इस वीडियो में हम छुटकारा पाने के लिए पूरी प्रयास करेंगे। उस प्रॉब्लम जो है आप लोग का क्षण भर में ठीक हो जाएगा, बशर्ते वीडियो को लास्ट में एक ट्रिक बताया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और सारे वीडियो अलजेब्रा के देखने के लिए 2.1 से लेकर 3.3 तक ले पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो को भेजा गया है। उससे पहले आपको टेलीग्राम एक चैनल जो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। पूरे के पूरे वीडियो आपका जितना भी अब तक ले बनाया गया सारे वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं 3.3 का। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन समझने के लिए ध्यान देना पड़ता है और वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, उस पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है, से एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ला और 6 गेंद, ठीक है, 7 बल्ला और 6 गेंद दोनों के मिलाने के बाद आपका रुपया चुकती करना पड़ता है, 3800 रुपया खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको समीकरण क्या हो जाएगा, 7x+6y=3800 हो जाएगा, समीकरण 1 होगा। ध्यान दीजिएगा आगे, उसके बाद दूसरे समीकरण हम पढ़ेंगे, उसमें 3 बल्ले और 5 गेंद मिलाकर 1750 रुपये खरीदने पड़ते हैं। तो दूसरी समीकरण ये हो गया आपका 3x+5y=1750 में खरीदते हैं, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा इसका ट्रिक जो है हम अभी ही बता दे रहे हैं और कुछ जो है विस्तार से आपको लास्ट वीडियो को लास्ट में बताया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो है बल्ला और गेंद दोनों को मिलाकर जो पैसा पे करना पड़ता है, तो ये मिलने के बाद इसमें क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। और दूसरी बात है फिर उसमें 3 बल्ला और 5 गेंद मिलाकर आपको 1750 रुपया देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग विद्यार्थियों को अक्सर ये दिक्कत होती है, से यहाँ पर हम क्या माने, एक्स और वाई कैसे माने। तो ध्यान दीजिएगा लास्ट तक में हम पढ़ेंगे प्रश्न को, और प्रश्न पढ़ने के बाद अज्ञात राशि जो होते हैं जो हमको ज्ञात करना है, अज्ञात राशि हमको क्या कहते हैं, जो हमको ज्ञात करना है उसको हम एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक ना। तो हमको क्या ज्ञात करना है, बल्ले का मूल्य और गेंद का मूल्य। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखते हैं, माना कि बल्ले का मूल्य, ध्यान दीजिए थोड़ा सा प्रश्न को देख लेते हैं फिर से, यहाँ पर आपको ज्ञात किसका करना है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद। माना कि बल्ले का मूल्य 100 रुपया में देता है तथा गेंद का मूल्य 100 रुपया में देता है, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न में क्या कह रहा है। सबसे पहले प्रश्न को गौर से देखिए, 7 बल्ला, तो बल्ला हम क्या माने, एक्स, तो यहाँ पर 7x हो जाएगा, प्लस दोनों को मिला रहा है, और तथा 6 गेंद, तो गेंद को कितना माने वाई, तो यहाँ पर 6y हो जाएगा, उसको पैसा कितना चुकती करना पड़ता है, तो 3800 रुपये। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इसको हम हल करते हैं, तो इसको सबसे पहले एक्स और वाई के पदों में हम लोग क्या कर देते हैं, व्यक्त कर देते हैं, एक्स या वाई के पदों में, किसी एक पद में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 7x 3800 अपने ही जगह पर रहेगा, जब ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3800 - 6y / कितना हो जाएगा, 7, समीकरण हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फिर हम पुनः के मतलब क्या हो जाता है, पुनः प्रश्न से, मतलब फिर से हम दोबारा प्रश्न में क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो पुनः प्रश्न में क्या आ रहा है आपको, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, 3 बल्ले, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x और 5 गेंद, कितना हो जाता है, 1750 रुपये, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है।
अब ध्यान दीजिएगा, जब भी समीकरण वन को जब हम प्रतिस्थापित करते हैं तो उसका मान हम लोग टू में पुट करते हैं, और दो का समीकरण जब प्रतिस्थापित करते हैं तो वन में हम लोग रखते हैं। तो वन का समीकरण हम प्रतिस्थापित कर दिए तो क्या करेंगे, एक्स का मान हम लोग को क्या करना है, टू में रखना है। ठीक है, ध्यान देना है, ये जरूरी नहीं है एक्स के पद में व्यक्त हो, ये जरूरी नहीं है वाई के पद में व्यक्त हो, आपको एक्स और वाई किसी भी एक पद में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, समीकरण टू में एक्स का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर ठीक है। तो समीकरण टू को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उतार लेंगे। समीकरण टू क्या है मेरा, 3x है प्लस 5y है और बराबर कितना है 1750। अब यहाँ पर देखेंगे से x के जगह पर हमको क्या रखना है, 3800 माइनस 6y बटा 7 रखना है। तो यहाँ पर 3 का 3 हो गया, ix के जगह पर हमको कितना लिखना है, 3800 माइनस 6y बटा कितना हो जाएगा 7, प्लस हो जाएगा 5y बराबर कितना हो जाएगा 1750। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको ऐसे मिले तो सबसे पहले अगर 3 पद है, 4 पद या 10 पद या कितना हो पद है आपको, ठीक है, अगर एक भिन्न दिया हुआ रहे, क्या एक भिन्न दिया हुआ रहे, तो बाकी उस भिन्न में हम गुणा नहीं करके जितने भी आपको बिना भिन्न वाला दिखाई देंगे वो सब में हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पर जब 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग लिख देंगे, अब 8 3 का 24 के 4 हो जाएगा, 8 3 3 9, 9 2 कितना होगा 11 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 का 18 y हो जाएगा, उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दिए। अब 7 में हम लोग क्या करेंगे, 500 बनाए, यही 7 में हम लोग 1750 से बनाए, तो 7 5 मेरा कितना हो जाएगा, 35 y हो जाएगा, और यहाँ पर 0 का 0 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7 5 35 के 5, हाथ में आएगा 3, 7 8 50 और 3 कितना होगा, 52, 52 के 2 हो जाएगा आपको 7 एवं 7 5, 7 5 12। अब इसके बाद क्या कहना है, अपने जाति में जोड़ होगा तो जोड़ेंगे, घटा होगा तो घटा लेंगे, और जो मेरा जाति नहीं है उसको क्या करेंगे, बराबर के उधर कर लेंगे। तो जब भी बराबर के बाद जाती है कोई संख्या तो अपनी मूल चिन्हों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, मूल चिन्हों को छोड़ देते हैं। मतलब क्या, मूल चिन्ह मतलब क्या हो गया, जो प्लस होगा वह माइनस बन जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस बन जाएगा, तो ये अपनी जाति ओर जाएगा, तो यह क्या है, प्लस में है। और इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, 35 में से 18 घटाएंगे तो मेरा क्या होगा, 17 y होगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह ज़्यादा है, माइनस का चिन्ह कम है। अक्सर विद्यार्थी यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, से यहाँ पर देख लेते हैं माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगा देते हैं तो वैसे आपको मिस्टेक हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेना है, सबसे पहले जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आपका रहेगा। यहाँ पर आपका 12 कितना है, 12250 लिख देंगे, और ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में 17 y बराबर क्या हो जाएगा। अब इसमें से हम जब भी घटाएंगे तो मेरा 0 का 0 होगा, और यहाँ 5 का 5 हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8 होगा, तो इतना मेरा बचा, इतना में से इतना घटाएंगे तो 850 होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 850 बटा 17 1750 ही, 5 मरतबे 10 बैठ जाएगा, तो y का मान मेरा कितना आया, 50 है। ठीक है, तो y माना क्या है, गेंद है, तो गेंद का मूल्य मतलब प्रत्येक गेंदों का मूल्य आपका 50 रुपया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण वन में y का मान रखने पर, ठीक है, दिखाई दे रहा, y का मान रखने पर, तो समीकरण वन मेरा यहाँ पर है, x बराबर 3800 माइनस 6y बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो x बराबर 3800 माइनस 6y, y का मान कितना आपका है, 50, तो यहाँ पर 50 बटा कितना हो जाएगा, 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3800 माइनस 7 5 6 5 30, 300 है ना, बटा 7 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3500
बटा हो जाएगा सात, तो सात पचे पैंतीस, आपका 500 रुपया, तो एक्स बराबर 500 रुपया हो गया। तो बल्ले का मूल्य जो है, बल्ले का मूल्य 500 रुपया होगा और गेंद का मूल्य जो होगा, गेंद का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 50 रुपया दिख रहा है बल्ले का मूल्य। चलिए अब आप लोग वीडियो पर बने रहे, तब तक क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, 3 का 4 नंबर लेकर आएंगे, समझ गए। तो आप लोग ये इसको बढ़िया से मतलब देख लीजिए, समझ लीजिए, और इसको शॉर्ट स्क्रीन भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4, सबसे पहले प्रश्न हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद हम लोग मैथ के ओर चलेंगे, मैथ बनाने की ओर। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन को समझना काफी जरूरी होता है, अगर क्वेश्चन न समझ में आए तो आपका मैथ नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले समीकरण जो है कैसे निकाला जाता है उसको हम लोग समझेंगे। इस वीडियो में आपको जो है अंत तक देखना है, ताकि वो खास ट्रिक जो है आपको ना छूट जाए, इसीलिए हम अंत में दिखाएंगे आपको, ताकि सब्र का फल मीठा होता है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। वैसे ट्रिक देखने के लिए आपको अंत तक देखना पड़ेगा। चलिए पहले प्रश्नों को हम लोग समझते हैं। प्रश्न में सबसे पहले क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी का भाड़ा जो है नियत है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक नियत भाड़ा, जैसे कि हम किसी किलोमीटर का जो एक बांधा हुआ रहता है से हमको इतना ही पैसा पे करना है, तो उसको नियत कहते हैं। अगर उससे हमको ज्यादा दूरी तक जाना रहता है तो उसको अतिरिक्त किराया हम लोग कहते हैं, तो एक्स्ट्रा पैसा हमको देना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर, तो यहाँ पर अतिरिक्त चली गई भाड़े का जो सम्मिलित किया गया, मतलब अतिरिक्त जो चला गया उसका भाड़ा और नियत भाड़ा दोनों का मिलाकर आपका हो जा रहा है 105 रुपया हो जा रहा है। उसी तरह के 15 किलोमीटर अगर अतिरिक्त है तो उसकी भाड़ा हो जाती है 155 रुपया। तो नियत भाड़ा और प्रति किमी का भाड़ा हमको ज्ञात करना है सबसे पहले, उसके बाद में हमको एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ा वो भी आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो अज्ञात राशि है, अज्ञात राशि मेरा क्या है, x और y मानते हैं, अज्ञात राशि को क्या मानते हैं, x और y मान लेते हैं, ठीक है। तो अब दे मार्कर दो, ठीक है, अज्ञात राशि को हम लोग x और y मान लेते हैं। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पर दिया हुआ है नियत किराया तथा प्रति किमी का भाड़ा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा माना कि नियत किराया 100 रुपया तथा प्रति किमी का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा आपका जो है भाड़ा ₹Y देना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न में क्या जाने हैं, तो नियत किराया आपको एक्स तो हो गया और प्रति किमी का अतिरिक्त, तो सबसे पहले प्रति अतिरिक्त जो है 10 किमी है, इसको 105 रुपया देना पड़ता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स मान लेते हैं, तो 105 माइनस हो जाएगा आपका 10y हो जाएगा, समीकरण 1 होगा। उसी प्रकार क्या लिखेंगे हम लोग पुनः प्रश्न का मतलब क्या है, एक्स प्लस आपका हो जाएगा 15y, 15 किलोमीटर अतिरिक्त चलता है तो उसको रुपया देना पड़ता है 155। अब इसको क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में एक्स का मान प्रतिस्थापित करने पर, सबसे पहले समीकरण 1 का मान 2 में हमको रखना है, जहां एक्स होगा वहां रखेंगे कितना, 105 माइनस 10y। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस 15y बराबर आपका 155, ये समीकरण आपका 2 है। और इसी 2 समीकरण में जहां एक्स होगी वहां पर हमको क्या रखना है, 105 माइनस 10y, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 105 माइनस 10y, किसके जगह पे, x के जगह पे, बाकी जो आपको दिखता है उसको क्या कर लेना है, उतार लेना है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखिए आगे, अब यहाँ पर देखा जाए 15y में से 10y घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, ठीक ना, 155 और ये प्लस है तो उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा 105, तो 5y बराबर हो जाएगा 50 हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 50 बटा 5, 5 दहिया 50, y का मान आपका हो गया
10 रुपया, ठीक है। तो भाई आपको क्या माना है, प्रति किमी का भाड़ा आपका 10 रुपया हो गया जो अतिरिक्त है। और उसके बाद में समीकरण 1 में किसका मान रखना है आपको मालूम है ना, y का मान रखना है। y का मान रखने पर तो यहाँ पर देखिए x बराबर जो है 105 माइनस 10y, ठीक है। तो x बराबर 10, 105 माइनस 10 गुने y का मान कितना है 10, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 105 माइनस हो जाएगा 100, जो घटाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको x और y का नियत किराया मालूम चल गया 5 रुपया, प्रति अतिरिक्त किराया भी मालूम चल गया। अब जो है एक व्यक्ति को कितना किलोमीटर चलना पड़ना है, 25 किलोमीटर, है ना। तब यहाँ पर देखेंगे 25 किलोमीटर में कितना भाड़ा देना पड़ा उस व्यक्ति को, वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने में लगा भाड़ा, एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने में लगा भाड़ा, ठीक है। तो 25 किलोमीटर, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, नियत किराया तो आपको एक्स है और किलोमीटर का हम लोग वाई माने हैं, है ना। तो आपका एक्स का मान कितना है 5, और 25 गुने आपका हो जाता है 10, तो 5 प्लस यहाँ पर 250, 255 रुपया जो है एक व्यक्ति को भाड़ा लगता है, ठीक है। तो हमको आशा है कि ये आपको काफ़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा समझ में, नहीं सबसे पहले आपको खास ट्रिक जो बताने वाले तो वो बता रहा है, रुकिए। खास ट्रिक क्या है इसमें, सबसे पहले जो हम लोग समीकरण जो पढ़ते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग हिंदी का जो समीकरण पढ़ेंगे उस तरह के हम लोग चलेंगे, जैसे नियत किराया और प्रति किमी का भाड़ा हमने बताया है कि नहीं। तो ये दोनों को मिलने के बाद ना हमको 105 रुपया देना पड़ा है, उसी प्रकार फिर अतिरिक्त किराया और नियत किराया फिर दोनों के बाद हमको 155 रुपया देना पड़ा। तो इसमें यही है, ये दोनों को मिलाने पर तो इसमें प्लस होगा। इससे पहले जो मैंने हिसाब बनाया बैट और बॉल वाला, तो बाला और बैट का जो है दोनों के मूल्य आपका 3800 रुपया था, है ना। तो ये समीकरण का मेन ट्रिक यही है, से आपको जो है समझना है से ये जुट कर उतना आ रहा है या घट कर आ रहा है, ये आपको अपना दिमाग लगाना है कि नहीं। तो दोनों को मिलाया तो क्या होगा जोड़, ये पहला वीडियो जो हमने बनाया था, से पश्चात माने क्या होता है प्लस, योग माने क्या होता है जोड़, मिलाने माने क्या होता है जोड़, है कि ना, कुल माने क्या होता है जोड़, अंतर माने घटाव, ये सारी चीजें वीडियो में हम पूरे पिछले वीडियो में हम दे हुए हैं जब ये चैप्टर शुरू होने से पहले 3.3, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको भली भांति आपको ज्ञात हो जाएगा। और सारी वीडियो को देखने के लिए टेलीग्राम मेरे एक चैनल है, जो इस वीडियो में आपका डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो हम अपने जो है बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।